पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की, सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहां की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठी चार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है, और उनको यही भी आप भूल गई, इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों चुप है सर? सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गन्ना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। एनडीए बहुत ही मजबूत है और एनडीए ताकतवर हो रहा है। आने वाले समय एनडीए का ही है। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहां की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठी चार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है, और उनको यही भी आप भूल गई, इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों चुप है सर? सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गन्ना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। एनडीए बहुत ही मजबूत है और एनडीए ताकतवर हो रहा है। आने वाले समय एनडीए का ही है।